अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हमने करने हैं एमजीटी 2 का लेसन नंबर 35, 37, 38, 36। आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। लेक्चर है आपका प्रोडक्टिविटी पे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी वो होती है जो कि आपके जो मौजूदा रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज करते हुए कितना प्रोडक्ट आपकी कंपनी प्रोड्यूस करती है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है। मतलब लेट सपोज कि मेरे पास अगर 10 रुपए हैं और मेरे जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर यूज करते हुए मैं जो है वो 5 टॉफीज बना सकती हूँ, तो दैट इज माय प्रोडक्टिविटी। सही हो गया जी। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी होती है कि आपका प्रोडक्ट किस काबिल है, कितना काबिल है कि उसको यूज किया जाए या उसको लोग पसंद करें। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो इधर उधर की बातें इन्होंने की हुई हैं। यहाँ पे जो हाइलाइटेड पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दी हैं। आगे चलते हैं जी, यहाँ से बेसिकली स्टार्ट होता है आपका लेक्चर। प्रोडक्टिविटी हम बता चुके हैं, क्वालिटी आपको बता दी है, रिस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्टिविटी चैलेंज। अगर आपको प्रोडक्टिविटी में कोई आपकी इंटरनेशनल भी हो सकती है, डोमेस्टिक, दोनों तरह की आपकी प्रोडक्टिविटी होती है। प्रोडक्टिव में काफी सारे आपको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें जैसे है आपकी मेयरिंग प्रोडक्टिविटी। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे मेयर कर सकते हैं? आप प्रोडक्टिविटी को मेयर कर सकते हैं टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल लेबर इनपुट। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको आपकी प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी। प्रोडक्टिविटी अमंग ग्लोबल कम्पिटिटर्स, आपको डिफरेंस देखना होता है कि आपके जो कंपटीशन में लोग हैं जो कि इंटरनेशनल हैं या नेशनल हैं, तो वो किस लेवल की, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, उनसे आपने अपनी प्रोडक्टिविटी कंपेयर करनी होती है। तो आपको कंपटीटर्स की प्रोडक्टिविटी भी मिल जाएगी और अपनी प्रोडक्टिविटी भी मिल जाएगी। ये दो इश्यूज हैं जो कि आपके इस तरह रिजोल्व हो जाएंगे। डोमेस्टिक आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? डोमेस्टिक आपकी प्रोडक्टिविटी वो होती है जो कि रिगार्डलेस ऑफ ग्लोबल स्टैंडिंग होती है। मतलब ये कि उसमें जो विद इन द नेशन प्रोड्यूस हो रही होती है, मतलब ये कि जो पाकिस्तान के अंदर हमारी प्रोडक्टिविटी है, दैट इज डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्टिविटी जो हो गई, या आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी आप इसको कह सकते हैं। बाकी इसमें कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज नहीं कवर की हुई। ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी है, तो एनुअल इंक्रीज, जो सालाना इंक्रीज होता है प्रोडक्टिविटी में, उसको हम ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये वो बातें हैं जो कि बाकी कुछ भी ऐसे ना कि डेट्स में इम्पॉर्टेंट है ना वैसे इम्पॉर्टेंट है। सर्वेज गिवन है कि फला ईयर में यूनाइटेड स्टेट के क्या मामलात थे इन चीजों को लेकर, तो वो कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। यूटिलिटी का आपकी स्लाइड्स में जिक्र किया गया है, उन्हें आप देख लीजिएगा। यूटिलिटी क्या होती है कि एक प्रोडक्ट कितना काबिल है कि वो इंसान की सेटिस्फाई कर सके नीड्स। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट क्लेम कर रहा है कि हम बिल्कुल जो है वो आपके कपड़े से दाग हटा देंगे, तो कितना परसेंट वो दाग हटाने में कामयाब हो रहा है, कितनी कैपेबिलिटी है उसकी हमारी नीड को सेटिस्फाई करने की। तीन फॉर्म्स हैं आपकी यूटिलिटी की, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हुए हैं। टाइम यूटिलिटी ये होती है कि आपका प्रोडक्ट हर टाइम पर अवेलेबल हो। प्लेस यूटिलिटी ये होती है कि हर जगह अवेलेबल हो। और फॉर्म यूटिलिटी ये होती है कि अगर आपने, मतलब वो रॉ मटेरियल में है, आप उसकी फॉर्म चेंज करके उसको मजीद यूजफुल बनाते हैं, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। चले जी, हम चले जाते हैं अब लेसन नंबर 37 पर और इसको हम रीड मोड में ले आते हैं। यहाँ पे एक इंसान का जिक्र किया गया है, एडवर्ड डेमिंग का। एडवर्ड डेमिंग जो है वो ये यूएस के बिजनेस कंसल्टेंट रह चुके हुए हैं, बहुत मशहूर, और इन्होंने काफी 14 पॉइंट्स दिए हैं जो कि आपको क्वालिटी एश्योरेंस में मदद देते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजर क्या होता है? द सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन क्वालिटी मैनेजर। ठीक हो गया जी। मतलब ये कि अगर जितनी भी आपकी एक्टिविटीज, जो भी आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए, उस सारी एक्टिविटीज आपकी क्वालिटी मैनेजर के अंदर आ जाती हैं। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इफेक्टिव यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज। मतलब ये कि आपने प्रॉपर तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर तरीके से, मतलब आपका वेस्टेज कम से कम हो और आपने अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर लिया, दैट इज प्रोडक्टिविटी। आगे देख लेते हैं जी, प्लानिंग फॉर क्वालिटी टू अचीव हाई क्वालिटी मैनेजर्स
कैसे ये हाई क्वालिटी को हासिल करने की कोशिश करते हैं। क्वालिटी उन्होंने आपको बताई है कि परफॉर्मेंस क्वालिटी होती है और क्वालिटी रिलायबिलिटी होती है। परफॉर्मेंस क्वालिटी वो होती है जो कि एक प्रोडक्ट, मतलब इस क्वालिटी पे लेट सपोज कि वो 98% सेटिस्फाई कर रहा है नीड्स को, ये उसकी क्वालिटी है, ठीक है, ये उसकी परफॉर्मेंस क्वालिटी है। तो क्वालिटी रिलायबिलिटी ये है कि वो 98% से उसका कोई भी एक यूनिट भी, कोई एक भी ऐसी उसका प्रोडक्ट ऐसा प्रोड्यूस ना हो जो 98 के मयार से गिरे, दैट इज क्वालिटी रिलायबिलिटी। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की आगे बात की गई है, वो देख लेते हैं हम। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम क्या है कि इनपुट आपने लिया, प्रोसेस किया, आउटपुट आया, अब जो आउटपुट है उस पे आपने क्वालिटी कंट्रोल लागू करना होता है। इंस्पेक्शन क्या होती है? इंस्पेक्शन एक तरह की स्ट्रेटेजी है, टैक्टिक है, जिसके जरिए आप क्वालिटी को अच्छा बना सकते हैं, डिफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी अश्योरेंस कहें तो ये भी उसी एक्शन में शामिल होती है जो कि आप अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए स्टेप्स लेते हैं। क्वालिटी अश्योरेंस भी ऐसे ही है कि इनपुट आपने लिया, प्रोसेसिंग की और आउटपुट आपके पास आ गया, आपने उस पे आप अपनी क्वालिटी अश्योरेंस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं 14 पॉइंट्स ऑफ डेमिंग। डेमिंग के अकॉर्डिंग अगर आपको अपने फैक्ट्री में या अपने प्रोडक्शन में अगर आपको इंस्पेक्शन करानी पड़ रही है, सर्विस या अश्योरेंस, क्वालिटी अश्योरेंस करनी पड़ रही है, तो आपकी आपकी प्रोडक्शन फेल है क्योंकि इस पे काफी कॉस्ट और टाइम जाया होता है। तो आपको पहले से अपने प्रोडक्ट का मैार इतना रखना चाहिए कि आपको सर्विस और इन चीजों पर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अच्छा जी, 14 पॉइंट्स इनके क्या हैं कि आपने क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना है, ठीक है, आपको ट्रेंड स्टाफ अपॉइंट करना है, ऐसे वर्कर्स को असाइन करना है जो कि क्रिएटिव सोच सके, बैरियर्स खत्म करने हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दरमियान, मतलब बहुत से ऐसे ये भी होता है कि अगर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे होते उससे भी प्रोडक्शन का जो मयार है वो गिर जाता है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स शुड बी यूज टू मेजर द क्वालिटी, ग्राफ्स और मैथमेटिक्स और इस टाइप के जो टर्म्स हैं वो यूज कर आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना चाहिए, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जी सिलेक्शन स्टेज। सिलेक्शन स्टेज ये होता है कि आपने अच्छे क्वालिटी वाले लोग सिलेक्ट करने हैं, अच्छे स्किल्ड वर्कर सिलेक्ट करने हैं, और वो ऐसे लोग होने चाहिए जिनका मयार भी क्वालिटी हो, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी ही की तरफ ध्यान दें। दूसरा चीज जो उन्होंने जिक्र किया है वो ये है कि एटीट्यूड्स क्या होने चाहिए एचआर मैनेजर के, तो उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टीम वर्क का आदी होना चाहिए, क्वालिटी का खास ख्याल रखने वाला हो, और बीइंग एक्सेप्टेबल, मतलब कोई चेंजेस आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको एक्सेप्ट करने की पावर रखता हो। ट्रेनिंग स्टेज ही होती है कि जो एचआर मैनेजर है वो अपने आगे टीम को क्वालिटी अवेयरनेस दे, मतलब उन्हें पता हो कि वो किस तरह की क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वालिटी अचीवमेंट उन्हें और कितनी अच्छी क्वालिटी तक जाना है, और कैसे स्टैटिस्टिकल जो कि ग्राफिकल और न्यूमेरिकल टेक्निक्स हैं उनको कैसे यूज करना है। पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट ये है कि आपने उन लोगों को, मतलब जो एचआर मैनेजर है उसने लोगों को टीम लीडिंग सिखानी है, माइंड्स कैसे एडजस्ट करने हैं लोगों के वो सिखाना है, मुख्तलिफ बदलते हालात में कैसे संभालना है अपने आप को वो सिखाना है, अवॉइड बॉक्स थिंकिंग, मतलब एक ही तरफ सोचने वाला जो दिमाग है वो नहीं होना चाहिए, आपको क्रिएटिव आइडियाज होने चाहिए। उसके बाद आता है जी कंपनसेशन। कंपनसेशन ये है कि आपको पूरे जो आपका होल ग्रुप है एचआर मैनेजर को अगर वो कंपनसेट कर रहा है किसी, मतलब ग्रुप को, तो उसको पूरे ग्रुप को कंपनसेट करना है, किसी एक इंसान को नहीं। और अगर किसी को अप्रेजल मिल रहा है तो वो भी सबको मिलना चाहिए। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल क्या चीज है जी? इसमें आपने प्लानिंग करनी होती है, ठीक है, अगर आप जो मैंने कहा है न्यूमेरिकल्स और वो यूज करते हैं आप, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है वो देखना होता है, प्रॉब्लम एनालिसिस, प्रॉब्लम जाहिर है जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको समझना होता है पहले, और फिर उन्हें आपने कंडीशन को अंडर कंट्रोल लेकर आना होता है। यहां तक हो गया जी लेक्चर नंबर 37। अब हम देख लेते हैं लेक्चर नंबर 38 को जल्दी से।
रीड मोड, ये है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अच्छा जी, आपकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होती है? ये वो कीमत होती है, ये वो पैसे होते हैं जो कि आपके जाया चले जाते हैं क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, ठीक है। कॉस्ट, ये आपकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की टाइप्स होती हैं। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट वो होती है जो आपके प्रोडक्ट डिलीवर करने के बाद आपको लॉस होता है। मतलब ये कि आगे बंदे को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, उसने रिटर्न क्लेम कर दिया, उसने रिपेयर क्लेम कर दिया, या उसने जो है वो इंक्वायरी करवा दी, या उसने आपकी कंप्लेन कर दी कि ये तो जो भाई कंपनी जो क्लेम कर रही है, या नेगेटिव कमेंट्स दे दिए, या कोई भी इस टाइप का लॉस आपको कर दिया आफ्टर डिलीवरी इंसान ने, तो आपको वो लॉस बेयर करना पड़ता है। इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या होती है? ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही दी जाती है। मतलब ये क्या कि कोई प्रोडक्ट बना है बहुत ही खराब बन गया है, आपको उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, आपको उस फिर इंस्पेक्शन भी करवानी पड़ेगी, और वो सारी चीजें जो कि सर्विस कराने पड़ेंगे या क्वालिटी एश्योरेंस करानी पड़ेगी, उन चीजों पर भी आपकी कॉस्ट ही जाती है, तो वो कोई फायदा नहीं है। अप्रेजल कॉस्ट क्या है? अप्रेजल कॉस्ट ये है कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट जाहिर अगर मेयार से गिरा हुआ है तो आपको उसकी इंस्पेक्शन करानी पड़ती है। एट टाइम्स को खाने पीने की चीज हो तो उसका लेबोरेटरी टेस्ट भी होता है, लेबोरेटरी में भी बहुत सारा सामान इस्तेमाल हुआ होता है, टेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं, जाहिर कोई अटेंडेंट भी वहां होगा जो वो टेस्ट परफॉर्म करेगा, तो उस सब में भी आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा लग जाती है, आपको नुकसान होता है। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होती है? मतलब अगर आपने कोई नेटवर्क आप बनाने की कोशिश करें कि हम बच जाएं, हमारा प्रोडक्ट ठीक हो जाए, तो आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट में आ जाती है, ठीक है। मतलब अगर आपने प्रोडक्ट आपका बुरा है, आपने लेट सपोज कोई प्लान बनाया कि अब हम इसे इम्प्रूव ऐसे ऐसे करेंगे, तो उस प्लान को बनाने में और उसकी इम्प्रूवमेंट में पैसा जाता है। या अगर आपने कोई नए स्टैटिस्टिकल मेथड्स इंट्रोड्यूस कराने हैं, या आपने न्यू हायरिंग्स करनी है, या मशीनरी बेहतर लगानी है, तो उन सब चीजों में भी पैसा जाया होता है, तो दैट इज प्रिवेंशन कॉस्ट। उसके अलावा यहाँ पे दो सर्टिफिकेट्स का जिक्र किया गया है, आईएसओ 2000 एंड आईएसओ 14000। उसमें जो आपका 2000 वाला है, ये क्या होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन को, उन ऑर्गेनाइजेशन को ये सर्टिफिकेट मिलता है जो कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती हैं, और 14000 उन ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है जो कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को क्लेम करती हैं। मतलब किसी भी किस्म का जहरीला मादा एनवायरनमेंट में नहीं भेजती ताकि लोगों को नुकसान हो, तो ये भी उसी में इंक्लूड होती है। वैल्यू चेन मैनेजमेंट, सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती हैं एक चेन में प्रोडक्शन के लिए, वो एक अच्छे प्रोडक्ट ही वो वैल्यू चेन मैनेजमेंट कहलाती है। यहाँ पे हो गया हमारा लेक्चर एंड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी फेसबुक का लिंक, वहां पे आप मुझसे मैसेजेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां इजी होगा हम लोगों का इंटरेक्शन, और कोई क्वेश्चन हो तो आप वहीं पूछ सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।